जमीरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं और लगातार लगभग पौने दो साल बीत चुके हैं, किस तरह का पंचायत में कार्य कराया गया और किस तरह की समस्याएं सामने आई? देखिए, चैनल को धन्यवाद देते हैं, मेरा गांव का जनता का धन्यवाद देते हैं। रह गया काम का, समस्या तो बहुत कुछ आता है, काम तो कराया गया है बहुत बढ़िया अच्छा ढंग से, पंचायती राज का कोई दिक्कत नहीं है। जो भूमि संरक्षण द्वारा काम कराया जा रहा है उसमें बहुत सारा दिक्कत है। किस तरह की परेशानी आ रही है सामने? उसमें परेशानी है कि लाभुक का नाम पर पैसा था काम कराने के लिए, उसमें एक नीरज जी है प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको द्वारा कहा जाता है कि 42% कमीशन रिश्वत दीजिएगा तो आपको काम होगा ना तो नहीं होगा। साल भर से दौड़ा रह रहा था कि आप काम मत करिए, ठेकेदार के द्वारा दे दीजिए, और वो ठेकेदार का है, 10-10 को ठेकेदार अपने रखे हैं लोग, अपना मौज से करवाते हैं लोग काम, और वो लोग कहते हैं कि बराबर के काम दे दीजिए, मुखिया जी मत करिए। हम लोग का लाभुक जो काम कराते हैं, 42% की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए कोई आपके पास प्रूफ वगैरह है? हाँ प्रूफ है, क्या लाभुक से पूछ लीजिए, लाभुक से भी मांग रहा है प्रूफ है, वहाँ लोग ले रहे हैं रिश्वत। तो क्या कुछ आपके पास इसका ऑडियो वीडियो कुछ है? और रिकॉर्डिंग तो करो कि जहाँ जाना है जहाँ जाइए, मंत्री तक पैसा जाता है, विभागीय सब कुछ का पैसा जाता है, पूरा विभाग में हम पार्टनर डायरेक्टर भी कर दिए, पूरा बिहार का रिकॉर्डिंग भी विदा करके विदा कर दिए हैं। वो लोग एक है कि मन में मन सीखता है कि किसी तरह मुखिया के पास करे, जनता शिकायत करके मुखिया के पास नूँ, हम लोग का दिक्कत होता है। अभी समस्या हो रहा है पंचायत में, जल की समस्या, पीने के पानी की समस्या, जल नल का। देखिए, जल नल तो पहले का बात, गांव में रहेंगे हम, प्रधान है मुखिया है तो हमसे पब्लिक कहेगा कि आप पानी नहीं जा रहा है, हमरो विभाग की शिकायत होता है, 10 जगह से फोन आता है, कम से कम इतना परेशानी है कि कोई वार्ड में ही 8-10 वार्ड है जिसमें एक भी नल नहीं है, साफ PhD के द्वारा गमन हो गया है पूर्व मुखिया के द्वारा। तो उसमें पूर्व मुखिया थे तो वो घड़ी समय में पूछना चाहिए, दरखास्त देना चाहिए ना कि PhD जब घोटाला कर रहा है, मुखिया की जिम्मेवारी है नहीं, वार्ड मुखिया का इस से द्वारा से नल जल का काम नहीं कराया गया है, ये PhD के द्वारा काम कराया गया है, अब फिर भी एक नल भी दिखा दे PhD की कोई वार्ड में है, जैसे 11 नंबर 12 नंबर वार्ड है, 13 नंबर वार्ड है, 14 है, 15 है, इसमें कोई में 8 नंबर है, 7 नंबर है, कोई में एक भी नल दिखा दे कि एक नल पर पानी गिरता होगा तो हम अपना तरफ से करवा देंगे काम। तो जिले के वरीय पदाधिकारियों को आपने सूचित किया? जिला के वरीय अधिकारी DM लगे, हम लोग दरखास्त दिए, फिर मुखिया वार्ड भी लेकर लेटर पैड पर सब कुछ दे गए, हम भी मुखिया सविता देवी में लेटर पैड पर दिए कि समस्या बहुत मेरा गाँव में है, सब कुछ आता है कि मुखिया आपको वोट दिए कायला कि पानी बिनु जनता मर है, वो तो सब जानता है कि मुखिया की जिम्मेवारी, सब काम मुखिया की जिम्मेवारी नहीं है, जिसे हो गया है कि मुखिया की जिम्मेवारी नहीं है, PhD तो अलग विभाग है, PhD काम कराया है, इसका जिम्मेवारी PhD है। नल जल योजना पूरी तरीके से अभी इस पंचायत, नल जल योजना पूरी तरह से फेल है, हम चुनाव जीतने के पहले भी मैं आवाज उठाया था कि जल नल झूठों को नली फंसा करके पैसा गमन कर लिया गया, आज तक जांच नहीं हुआ, जांच होता तब नू आज तक ना PhD के द्वारा जांच कराया गया कि सही से पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, किसी वार्ड में साफ नहीं जा रहा है पानी, जनता हाहाकार मच रहा है। अभी आवेदन आप ये दे रहे हैं, किसके पास ये आवेदन दिया गया है? ये आवेदन दिए हैं हम DDC के DM साहब के पास में, देखिए आवेदन है, आवेदन का कॉपी है मेरा, DDC साहब के पास दिए हैं, बोल रहे हैं लोग DDC बहुत ईमानदार हैं, इस पर एक्शन लेंगे, भूमि द्वारा हमसे 42% का रिश्वत मांगा जा रहा है, इसलिए हम लिख करके दिए हैं DDC को, जाँच करें और ना तो मेरा साथ चलिए, वो पैसा लेंगे लोग। यानी जो 42% जो विजय कुमार है उनके द्वारा, कन्या अभियंता, हाँ कन्या अभियंता ही है। तो मतलब कि और लोगों का, गांव के लोगों की समस्या, यानी अभी फिलहाल पानी की समस्या है, बहुत जल्दी कम से कम वार्ड में 5-6 वार्ड ऐसा है कि पानी का समस्या है, PhD का व्यवस्था करना चाहिए वार्ड के लेकर के, समस्या बहुत है, कम से कम हल्का फुल्का भी अभी दे देते, कम से कम पानी ज़्यादा तो आदमी का अच्छा होता। आप अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं? हम तो अपने स्तर से कितना प्रयास करेंगे, 2-3 वार्ड है उसमें शर्म से अपना तरफ से डलवा दिए, निजी कोषापन से अपने कर सकता है आदमी, हम लोग का रिश्वत तो ये नहीं है कि इतना रिश्वत आ रहा है चाहे कुछ है कि हम अपना फंड से कर देंगे, 2500 का तनखा है, हम तो ये नहीं है कि 50 लाख करोड़ खर्चा करते, मेरा वार्ड 8 वार्ड है, एक में शर्म से गलाने में 60-70 हज़ार रुपये खर्चा है, बताइए कि 2-2 को 3-3 को गलाएंगे तब 1 करोड़ से काम हो जाएगा, बिना 1 करोड़ के नीचे का नहीं होगा शर्म से, वो वार्ड में 4-5 रुपये लगेगा ना, लामा चौड़ा वार्ड है 1 किलोमीटर में,
ये संभव चीज है, ये चलते हम लोग तो क्या लगता है कि डीडीसी के यहाँ जो आवेदन दिए हैं, जो कन्या अभियान डीडीसी के आवेदन दिए हैं, उस पर मेरा पुनः विचार है, कुछ कार्रवाई करेंगे, विभागीय कार्रवाई नहीं करेंगे। हम पटना डायरेक्टर तक भी कह चुके हैं, ये कॉलोनी में विदा कर दिए, उसको बाद में फोन से कह दिए, वो लोग कह रहे हैं जहाँ दे जाना है दरखास्त देना है जहाँ दीजिए, हम सब जगह कमीशन विदा करते हैं, हमारा मंत्री तक भी कमीशन जाता है। भूमि सर्वेक्षण के ये सब एकदम कृषि का लूट है, बीज बांटते नहीं लोग पब्लिक का, जब बांट देते हैं लोग जब लाते हैं, आज तक ना किसी को कृषि में बीज मिला ना कुछ मिला, ये सब लोग पेपर में साइन कर देते हैं, कृषि का लूट घुसोर है। इसीलिए सुधाकर सिंह इस्तीफा दे दिए, ज़्यादा करेंगे तो हम भी इस्तीफा दिलवाने वाले हैं, पत्नी को इस्तीफा दिलवा दें, इसमें बहुत टेंशन है। सरकार की या जनप्रतिनिधियों की या जो अधिकारी हैं उनकी, देखिए पहला नंबर तो सरकार का कमी नहीं, ये लोग क्या करते हैं कि किसी विरोधी पार्टी के सरकार को धरना करवा दे, प्रसाद करवा दे, उसका देते हैं लोग। इसमें सरकार बजट दे दिया, पूरा राशि दे दिया प्रतिनिधि के, और प्रतिनिधि नहीं करे, पहला नंबर तो प्रतिनिधि इसमें बदनाम होते हैं, वार्ड मुखिया बदनाम होते हैं, वार्ड मुखिया के तो है नहीं जनरल, ये ढेर कोई मेरा पंचायत में किसी से पूछेगा तो कहेगा कि मुखिया का वार्ड का है, किसी का तो है नहीं वार्ड मुखिया का, ये तो पीएचडी के द्वारा कराया गया है, अब पीएचडी के द्वारा कराया गया है तो इसमें बताइए कि मुख्यमंत्री की क्या गलती है, मुख्यमंत्री को दे रहे कि ना पेयजल जल देंगे, घर घर सुविधा मिलेगा, सरकार पैसा देवे किया, मुखिया के दे रहा था पंचायत वार्ड में 18,000 रुपये, इसमें 40,000 से ऊपर पीएचडी उठाया, तो इसमें तो पीएचडी के कर्मचारी को उसको जाँच बैठाना चाहिए, इस लोग को सबको एफआईआर करना चाहिए, ये चलते कि इसमें मानहानि है, मुखिया मानहानि केस करना चाहिए, कोई भी आता है पब्लिक तो मुखिया जी पे धरता है कि हम वोट दिए मुखिया जी, अरे पीएचडी के द्वारा काम करा के मुखिया वार्ड को बैनर फंसाया जा रहा है, ये पीएचडी पे कार्रवाई होना चाहिए। चल के मेरा हम दवा के साथ कहते हैं कि यदि 10 को जो जो वार्ड में कर रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16 आप ये 7 वार्ड में ये चल के देख लीजिए, 10 गो नल में 5 गो नल में पानी जाता होगा तो मुखिया से हम इस्तीफा दे देंगे। मतलब आपके हिसाब से विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की एक कर्मचारी का गलती है, विभाग का गलती है, और इसमें ना मुख्यमंत्री का गलती है, मुख्यमंत्री पैसा दिया आपको काम करके, आप घोटाला के हैं, आप जिम्मेदारी ले लो इस पत्र, नीतीश कुमार को संज्ञान लेकर के जांच करवा करके हाईकोर्ट से इनको सब पे एफआईआर दर्ज करना चाहिए, पीएचडी पर खुद हम लोग पीएचडी के दरखास्त दिए, डीएम को दरखास्त दिए, कुछ सुनवाई नहीं है, आ करके एक दो को नल फंसा के वीडियो बना के डीडीसी के पास डाल दिया गया, जिला परिषद के माध्यम से हमको मिला फोटो कि काम चल रहा है पंचायत मुखिया जी, और जा रहे हैं पंचायत में तो एक भी पाइप नहीं बिछा, जो पाइप बिछा है उसी में पाइप फंसा दिए फेल, और फोटो बजा के विदा कर दिए, स्थिति इस है, इसका जिम्मेवारी है पीएचडी। एक अपील है जनता से कि ये मत समझिए, जहाँ आप जनता चलिए, हम आप जनता जाने के लिए वोट दिए हैं तो प्रतिनिधि के नाते हम कहीं भी जा सकते हैं, धरना हो चाहे डीएम के पास चलिए, चाहे घेराव कीजिए, हम उसमें अपना सुख योगदान देंगे। आइए समझिए, जनता से अपील करते हैं कि पीएचडी को जो भी नल जल योजना है, ये मुखिया किसी वार्ड का जिम्मेवारी नहीं है, एक वार्ड पंचायत से बाहर का है, पीएचडी का चीज है, और जब तक वो पीएचडी रहेगा तो मेरे चापाकल भी नहीं मेरा पंचायत में है कि हम 10 को जनता को पब्लिक को पानी दे सके, चाहे 10 को चापाकल गला सकते हैं, कोई भी काम करेंगे तो निजी फंड से करेंगे।